आज अलायंस ऑफ ऑल एक्स क्रैमलेट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की श्री संजय सिंह सांसद जी से उनके निवास स्थान नॉर्थ एवेन्यू में मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुलाकात रही। जो अर्धसैनिक बलों के पैरामिलिट्री के जवानों के मुद्दे थे उन पर हमने चर्चा की, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली, शहीद का दर्जा, अर्धसैनिक झंडा दिवस, उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था, वो सभी चीज़ों पे माननीय सांसद जी ने पूरा आश्वासन दिया कि उस बात को संसद में उठाएंगे और जो जो भी डिस्पैरिटी है, जो जो भी असमानताएँ हैं और जो कल्याणकारी मुद्दे हैं उसका वो संसद के अधिवेशन में प्रश्नकाल में सवाल भी उठाएंगे और इसके पूरी कोशिश करेंगे जिससे सैनिक कल्याण के मुद्दे जल्द से जल्दी हल हो सके। अभी जो है आईजी सर हैं हमारे अमन वर्मा जी, वो बताएंगे कि हुड्डा साहब से भी आपकी मुलाकात हुई तो वो जिक्र करें। आज पहले हम श्री संजय सिंह एमपी उनसे मिले, अपने जो पॉइंट्स थे उनको बताए, उन्होंने बहुत आश्वासन दिया और वहाँ से मिलने के बाद, क्योंकि उनकी एक मीटिंग थी 11 बजे वो चले गए, हम यहाँ दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ आए, वो भी कहीं चले गए थे, उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा से बात हुई, बड़ी अच्छी तरह बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हमारे से जो भी बढ़ सकेगा हम करेंगे और भविष्य के अंदर आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। हम अर्धसैनिक बलों के लिए, चाहे उनका अर्धसैनिक जो है वेलफेयर सेंटर हों, चाहे बोर्ड हों, चाहे शहीद का दर्जा हो, सब दिखवाएगी। धन्यवाद। आई जी सुरेश कुमार जरूर, क्योंकि वो सहपाठी है आपके, तो भूपेंद्र जी हुड्डा। आज हम सुबह पहले संजय जी से मिले जो कि सांसद हैं और वो बड़े हमारे उसके लिए उन्होंने बड़ा योगदान किया है, बड़ा इंटरेस्ट किया है और वो संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और उनका ये है कि आखिरी दम तक कहते हैं जिसको लड़ाई लड़ेगी हमारे लिए, फिर हम अपना जीवन मिल गए हैं। और अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने ये पार्लियामेंट में इस बारे में बोला है और ये भूपेंद्र हुड्डा साहब ने बोला है कि भाई हम जी जोर लगा के और ये सरकार आएगी तो हम पूरा हरियाणा में ये सारा आपका जो भी डिमांड है वो पूरी कर देंगे। धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो माननीय दीपेंद्र जी हुड्डा, जिन्होंने अलायंस के सेक्रेटरी हों या कदम जी हों, संसद में पूछा कि भाई क्या क्या मुद्दे उठाने चाहिए, हमने लिख के दिया और उनको बहुत पूरे पैरामिलिट्री परिवारों की तरफ से सैल्यूट और सलाम। आज दीपेंद्र जी हुड्डा को एडीजी अचार सिंह, आईजी सुरेश कुमार, आईजी एमएल वर्मा जाके और बधाई दिए हैं कि सर, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे हमारी हरियाणा में भी सरकार बनी तो हम जो है पैरामिलिट्री के जवानों के जितने भी मुद्दे हैं वो जो है गहराई से जो पूर्ण करेंगे। हमारे जो है श्री वीएस कदम, जोर से बोलिए। आज सुबह उनका अपॉइंटमेंट मिला था हमको 10 बजे का, हम लोग 7 आदमी मिलकर गए थे मंडल, उनके साथ बहुत अच्छी तरह बातचीत हुई है और उन्होंने बोला कि आपका मुद्दा जरूर मैं उठाऊंगा। ऑलरेडी क्वेश्चन हमने रेज कर रखी है, अब बोलने 0 आवर्स में भी इसके लिए बोलने के लिए हम कोशिश करेंगे। रणधीर जी, ओके ओके, बिशन जी, जय हिंद।